साला, अरे पकड़ लड़की, भाग ले ना पाए। पकड़ो उसको। कहीं शांतनु को एक और मौका देकर गलती तो नहीं की मैंने? और ये मौसम अचानक खराब क्यों हो गया? एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ, शायद शांतनु ने बॉडीगार्ड को कॉन्टैक्ट किया। कहा था ना मैंने, तुम में से कोई भी मेरी अस्मिता को छू तक नहीं पाएगा। हाथों से पुचकी को छुआ था ना? बता बता, किसने भेजा है तुझे? ब्यूटी, मैडम आपसे ये लोग मिलने आए। नमस्कार। वैसे आज इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे, मेरा मतलब घुंघरू पार्टी के लीडर के घर पे, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के? आपके खिलाफ एंटीसिपेटरी कंप्लेन है। पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया? पता है किसके घर खड़े हो? मिनिस्टर के घर। कानून के लिए कोई मिनिस्टर नहीं होता मैडम, कानून के लिए सब एक है। कंप्लेंट आई है मैडम, एक्शन तो लेनी पड़ेगी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल आपको अरेस्ट करने नहीं आए हैं, आपको आगाह करने आए हैं। अगर अस्मिता कुमारी को एक खरोच भी आई तो सबसे पहले हम आपको अंदर करेंगे। किसने की कंप्लेंट? शान मौजूमदार ने। उन्हें शक है कि आप अस्मिता कुमारी उर्फ पुचके को मारना चाहती है, सोचा चेतावनी दे दें आपको। हेलो, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अपनी नजर उस पुचकी पे रखियो, लेकिन खरोच नहीं आनी चाहिए उस लड़की को। एक भी खरोच उसके शरीर में दिखा ना तो मैं अंदर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस संसार से तो सबको जाना है, और इस पुचकी की एग्जिट तो मेरे हाथों से ही लिख। कल ये दुनिया होली बनाएगी, लेकिन ये ब्यूटी होली उसी दिन बनाएगी जिस दिन इस पुचकी का खून उसके हाथों में लगेगा। वो क्या है ना, कितनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी। जिंदी रहे पुत्र, रब तेरी झोली में दुनिया भर की खुशियां डाले। ये होली तेरी जिंदगी में प्यार के रंगों की फुहार लाए, बस यही आशीर्वाद है इस दादी बुआ के। पुत्र, शादी के बाद ये तेरी पहली होली है ना, फिर भी तू यहाँ कितनी अकेली है। काश काश शान यहाँ होता तो। दादी बुआ बस, प्लीज आप उस बारे में बात मत कीजिए, उम्मीद है सारे दुखों की जड़ होती है। कौन होगा? जरूर बच्चे होंगे होली के लिए, मैं देखती हूँ। हैप्पी होली।
बच्चों, घर में होली नहीं खेलते, चलो बाहर चलो। चलो। मुझे जाने दो। तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम अचानक आओगे और होली मुबारक मुझे विश करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शांतनु अपनी पुचकी को दिल से तकलीफ पहुंचा सकता है? चाहिए तो है। अब क्या बताऊं तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे समझाऊं कि अभी क्या हो रहा है, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं क्या करूं, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, बोलो ना क्या करूं। जानते तो आप मानोगे? बोलो दे दूं जान अभी इसी वक्त, हां कह दो और खत्म कर दो ये हर वक्त का यम था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर भी यही कहा था तुमने और फिर तुम गायब हो गए। मजबूरी थी इसलिए मिल नहीं पाया, पर ये देखकर अच्छा लगा कि तुम वहां आई थी।
और मेरा इंतजार कर रही थी। देख कर मतलब तुम्हें कैसे पता कि मैं इंतजार कर रही थी? हाँ तो तुम थे वहां, बताओ ना। देखा सा मैंने तुम्हें वहां, बेहद खूबसूरत लग रही थी तुम। वो हरा रंग तुम पर बहुत जच रहा था। और तुम तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, हाँ, ये हीरे जैसी, ये आसानी से छुपती कहाँ? और तुम शांतनु, शांतनु, क्या हुआ तुम्हें शांतनु? शांतनु आंखें खोलो, शांतनु आंखें खोलो, तुम ठीक हो? शांतनु, हैप्पी होली मम्मा। हाय मम्मा, मेरे खून से होली खेलते। क्या हुआ मम्मा? आपके हाथ से खून, यही तो आप चाहती थी ना? तो हो गई अस्मिता जी मुझसे दूर, अब तो सेलिब्रेशन का टाइमिंग है मामा। हैप्पी होली मामा, हैप्पी होली। आपको फर्स्ट एड की जरूरत है? कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है मामा, कोई नहीं है। होली खेलते ना, हैप्पी होली मम्मा, मम्मा हैप्पी होली। आपने हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ कर दिया, आपने हमारे बेटे का खून बहाया, कभी माफ नहीं करेंगे हम आपको, कभी माफ नहीं करेंगे। तभी बहुत दर्द हो रहा। डॉक्टर ठीक है, लेकिन प्लीज आप जल्दी आ जाइए। हाँ मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज। हाँ हेलो, हाँ दिव्या सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। शान यहाँ पे। अस्मिता, मैंने शान के बारे में बताने के लिए ही तुम्हें कॉल किया है। मैंने शान को तुम्हारा पता दे दिया है। I'm sorry, अस्मिता, लेकिन मुझे उसे बताना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई थी दिव्या? अस्मिता, कल शान ने ही तुम्हारी ब्यूटी के गुंडों से जान बचाई थी। कब कहा दिव्या? कल जब तुम क्लब के बाहर खड़ी थी तब ब्यूटी के गुंडे आए थे तुम्हें जान से मारने के लिए, और तब शान ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। एनीवेज, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया था। बाय। वक्त लगेगा, मैं क्या करूं? मैं ड्रेसिंग कर लेती हूं।
क्या करते हो तुम बोलो? क्यों करते हो ऐसे? एक तरफ मुझे गहरी चोट देते हो और दूसरी तरफ इल्ली को चोट खाते हो। बस यही लेटे रहो आराम से। माफ नहीं करोगे? अंग लगा दे रे, गुस्सा करोगे पर फिर भी मेरा केयर करोगे, ध्यान रखोगे? मुहे रंग लगा दे रे। वो मैं रंग लगा दे रे, रंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू। यू नो व्हाट, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ इससे ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा हमेशा ऐसा होता है। जब तुम्हारा मन चाहता है तुम पास आ जाते हो, जब मन चाहता है दूर चले जाते हो। मैं क्या करूं? हाँ, फिर भी ताकत नहीं है, फिर भी और शक्ति नहीं है बर्दाश्त करने की। जब देखो तब बेइज्जत करते रहते हो हमेशा। यू नो व्हाट, तुमने ना मुझे फॉर ग्रांटेड लिया। मुझे कोई कदर नहीं रही। ये तो यही है, कहाँ जाएगी वापस आ जाएगी, है ना? जब चाहे दुत्कार तो वापस तो आना ही है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली कोई कठपुतली नहीं हूं, समझे ना? अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक्चुअली तुम मेरे प्यार के काबिल हो ही नहीं हो। तुम मेरे प्यार के काबिल। उठो, उठो, निकलो। अस्मिता प्लीज, तुम मेरी बात सुनो। निकलो तुम। पुचकी प्लीज, प्लीज एक मौका दे दो। पुचकी प्लीज, पुचकी प्लीज, प्लीज प्लीज, पुचकी प्लीज। Ha ha ha!